नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसाहुरम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जीछाया झानिग्रहे कम कलंकटहे नित्य निरंजनानमय परम पुनवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काष्ठे चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतरक्षिदे। अपने स्वरूप को न जानकर विपरीत मानता है वह सब मोह ही है, मोह विलास विजृंभित। ये मोह का ही विस्तार समझना चाहिए। जैसे जो स्व नहीं है वह पर है, जो उपाधेय नहीं है वह हे है, एक विविक्षा दे। जो स्व नहीं है वह पर है, वो तो ठीक है, लेकिन जो उपाधेय नहीं है वह हे है, एक विविक्षा दे। बोलो कैसे कहा? पर द्रव्य उपाधेय भी नहीं है और हे भी नहीं, इसलिए जो उपाधेय नहीं है वह हे है, सर्वथा मत लेना। लेकिन एक विवक्षा से पर द्रव्यों को हे ही कहा है। कैसे पर द्रव्य हे है? कि पर द्रव्य को अपना मानना हे है। पर द्रव्य छोड़ने योग्य है का अर्थ पर द्रव्य के प्रति मोह भाव छोड़ने लायक है। चैनानी हुक्म तो सारा ऐसा ही उपदेश है, ये परिग्रह छोड़ो, विषयों को छोड़ो, असत्य वचन छोड़ो, अनर्थ दंड छोड़ो, यही उपदेश है। लेकिन इसके प्रयोजन को ही समझना। पर द्रव्य को छोड़ो का मतलब पर द्रव्य के प्रति जो मोह भाव है वह छोड़ो। खुलासा करो, इसी का चिंतन कर लो। पर द्रव्य को मैं और मेरा मानना छोड़ो। ये मैं हूं शरीर और ये मेरे हैं। पर द्रव्य को आगे बोलो अच्छा बुरा मानना छोड़ो। जी अच्छा जी बुरा, इष्ट अनिष्ट। पर द्रव्य को कर्ता मानना छोड़ो। और बोलो पर द्रव्य को पर द्रव्य का दोष देखना छोड़ो। पर द्रव्य का दोष देखना छोड़ो। पर द्रव्य को कर्ता मानना छोड़ो। थोड़ा सा खुलासा करो, पर द्रव्य को कर्ता मानना छोड़ो। हमें तो प्रयोग सीखना है। पर द्रव्य को कर्ता मानना छोड़ने का अभिप्राय क्या है?
वो तो दोष में आ गया, ठीक है वो भी। कोई हमें सुखी बना देगा, कोई हमें ज्ञान करा देगा, कोई हमें धर्म कराएगा, कोई हमारी व्यवस्था बना देगा, छोड़ो कुछ नहीं कर पाएगा कोई। कोई हमें बचा लेगा, चाहे भरा पूरा परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे जलबल देवी देवता हो, चाहे मंत्र तंत्र हो, कोई हमें बचा लेगा। पर को कर्ता मानना छोड़ने का मतलब ये है कोई हमारा काम कर देगा। पर आश्रय के, पर के भरोसे अपने काम बहुत पड़े रहते हैं। लौकिक क्षेत्र में आपको पुराना ही दृष्टांत बता दें, जिनके घर में कर्मचारी लगे हैं, अब वो कर्मचारी नहीं आया तो काम ही पड़ा है। वो चार बजे तक नहीं आया तो चार बजे तक काम पड़ा हुआ है। और यदि मालूम है उसकी तबीयत खराब हो गई कर्मचारी की, वो तीन दिन नहीं आएगा, तो उस दिन तक तो काम चार बजे तक पड़ा रहेगा, दूसरे दिन दो ग्यारह बजे ही हो जाएगा। अब वो आएगा तो ही करना, तो अपन को चाहे करो चल तो पैर में करो। चाहे वो बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे झाड़ू पोछा हो, कुछ भी हो भाई, वो कर्मचारी तो आएगा नहीं, उसकी तभी दो दिन। अब करना तो अपन को ही है, चाहे अब कर लो चाहे दोपहर में करो, चाहे शाम करो, करने तो आई, चाहे अच्छी तरह कर लो, चाहे रो रो करके करो। लौकिक क्षेत्र में भी ये जीव कोई दूसरा करने वाला है तो फिर उसकी बात ही बदल जाती है। फिर उसके उपयोग में बड़ी निर्दयता होती है। ये फेंका, ये डाला, वो आएगा साफ कर लेगा, सफाई कर लेगा। हमें क्या करना, अपन तो अपने आप। बच्चों जैसी प्रवृत्ति जानते हो, बच्चे किस तरह से घर में करते हैं, उनको सफाई की चिंता थोड़ी, उनको तो वहां होगी तो अपने करे, कपड़े गंदे करने में उनको लगता है कुछ तो माँ धोई, हमें तो नहीं धोना। जब वो बच्चा अपने कपड़े धोने लगता है, ये ज्यादा गर्दी हो जाएंगे फिर साफ नहीं होंगे, अभी धो ले इकट्ठे हो जाएंगे फिर इकट्ठे कौन धोगा, अपन थोड़ी थोड़ी धोते जाओ क्यों। ये तो अब ये बुद्धि कहां से आ गई। लौकिक क्षेत्र में भी अपना काम पर के ऊपर छोड़ा जाता है, पर को कर्ता माना जाता है, तो बहुत विपरीतता होती है। तो पर जब गति मोच हो बस, अब तुम लोग शब्द पकड़ करके बस ये सोच रहे थे बस हमको आ गया, और पढ़ो ज्ञान का फल वैराग्य, तो तुम्हारा वैराग्य राग कहां टूटा उस पर जब के प्रति। उस वाक्य को सुनने से पढ़ने से अगर भाव भाषण हुआ तो उस पर जब के प्रति विरक्तता आती, सो तो तुम्हें आई नहीं, तुम्हारा सुधार होता सो तो हुआ नहीं, तुम्हारा डर रहा तो वैसा का वैसा ही चलता है। आज भी कोई बात हो तो दोष पर का दिखाई देता है और भरोसा दूसरे का, पराश्रय बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए हम ये प्रयोगात्मक बात कह रहे भैया हैं कि पर के बढ़ो, पर का कोई हमारा काम कर देगा। बहुत लोगों का दिमाग रहता है कोई सिखाए तो सीखे, हमें सीखना है, हमें सीखना है, सीखना है अपनी बुद्धि से सीखा जाएगा, नकल से अकल नहीं आती। और बाहर की क्रियाओं को देख देख करके नकल कर ले तो अकल बिल्कुल नहीं आएगी, केवल अभिमान आएगा। प्रयोजन पर दृष्टि न हो और अंतर में दया परिणाम न हो तो कुछ नहीं होता, सामने कुछ पीछे कुछ, भय से केवल काम, और मौका पड़ता तो भाई वो ही करेगा। सामने ज्यादा पानी में फैला, पीछे से झट फैला देंगे बाल्टी दो बाल्टी, तो कोई पता नहीं कौन देख रहा है। अरे किसी को दिखाने के लिए धर्म किया जाता है,
सामने तो दूसरे को शिक्षा देने की टोकने लगेंगे, गुरु बन जाएंगे, और पीछे अपने काम वही करेंगे लौट फिर करके माता, उनको लगता ही नहीं है। बाथरूम में पानी डालने के लिए, लेटरिन में पानी डालने के लिए अहिंसक बन जाएंगे, अपन कौन डाल भाई, पानी ज्यादा नहीं फैलाते, और वैसे पानी फैला देंगे चाहे कितना। अरे उसको बचा करके उसको डाल दो बाथरूम में भैया, अब वहां तो डालना पड़ेगा, वो बदबू नहीं आएगी, और तुम बिना पानी डाले बाथरूम में तुम जाओ तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें, फिर तुम ये कहोगे वो पानी नहीं डालता या सफाई नहीं रहती, और रखते तुम खुद नहीं, पानी रखा वो पानी क्यों, पानी नहीं डाला वो पानी था नहीं, अच्छा कोई नौकर लगा तुम्हारा। ये प्रवृत्तियां क्यों होती हैं, ये प्रवृत्तियां इसीलिए होती हैं, अपने को सुपीरियर समझते हैं। सुपीरियर तो भैया अहिंसा दया के पालन से होते हैं, त्याग से होते हैं। वो पानी नहीं था वहां, अरे पानी नहीं था तो ला के डालना तुम्हारा काम था ना, को कोई एक की ड्यूटी लगी है कि वो पानी रखे और देखता रहे कि पानी कब है पानी कब नहीं है। जो जाता है पानी नहीं रहा पानी ला करके रख दो, बुद्धि नहीं है तो क्षमा है, लेकिन बुद्धि उल्टी बहुत चलती है, उल्टी बहुत है। इसका ना फल संसार है, नरक में जाने वाले की बुद्धि नहीं होती। हम पूछते असंगी जी भी आते हैं, एक इंद्री जी भी आते नरक में क्या, असंगी जाएंगे भी तो कहां जाएंगे, कितना जाएंगे बता। ये उल्टी बुद्धि के कारण ज्यादा परेशानी होती, क्योंकि उल्टी बुद्धि तो हमेशा बचने की कोशिश करेगा धर्म अच्छे कार्यों से, और खोटे काम में लगेगा। मालूम है ये अर्थ कहां से निकला है, कहां से सीखा हमने, टोटो मंजी से ने प्रश्न किया कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान क्यों कहलाता है, कुज्ञान क्यों कहलाता है, कुज्ञान कि वो प्रयोजन भूत में नहीं लगता अप्रयोजन भूत में लगता है। तत्व सम्यक विचार में नहीं लगेगा, विपरीत विचार में लगेगा, चलो हो गया ना। अब अप्रयोजन भूत उल्टा क्यों लगता है, क्या मतलब इसका, क्या बोलो, अभी जो चर्चा चल रही उसके आधार से बोला, अहिंसा में नहीं लगता हिंसा में लगता है, कुछ नहीं होता ज्ञान कहता, कुछ नहीं होता क्या करना अपन का, और जड़ से कुतर साबुन का पानी लेटिन बाथरूम में डाल देंगे, जबकि लेटरिन में नहीं डालना चाहिए साबुन का पानी, नाली में बाथरूम में नहीं डालना चाहिए, वहीं जी मरेंगे। और वैसे जरा गंदा क्यों फेंक का, वो गंदा था दूसरे का धरा हुआ पानी, तुम साफ पानी बाल्टी फेंक के डाल दोगे और अपनी चालाकी इतनी होशियारी बनाओगे। इसलिए हम कहते भैया कंजूसी चालाकी होशियारी का मार्ग नहीं है, ये तो सरलता का मार्ग है, सहजता का मार्ग है। बुद्धि कम हो, पैसा कम हो, शक्ति कम हो, समय कम हो, कोई बात नहीं चलेगी, लेकिन वहां लगेगा यहां नहीं लगेगा ये काम खराब है। अपने जन्म लगता माने भोगों में लगता है, त्याग में नहीं लगता। छूटे कैसे इस बात को नहीं सोचते, मिले कैसे, समेटे कैसे, बचाए कैसे, लगाए कैसे, ये नहीं लगेगा। तो अप्रयोजन भूत समझ गए ना, हिंसा में लगता है अहिंसा में नहीं लगता, असत्य में लगता है बहाने बनाने में लगता है, सरलता से दोष स्वीकार करने में। कल के दोष की बात करेंगे, आज दोष करते चले जा रहे पता नहीं, तुम जाओ तो यहां से क्या, सच पूछते बहुत दुख होता है, शक्ति इसमें लगती, थकान इसमें होती है कि कल का जो वो कल गलती हो गई, अरे तुम अभ्याल गलती कर रहे हो तो पतो नहीं कर रहे, तुम हो सही नहीं है। सचमुच बहुत सही लिखा है, वेद ज्ञान की आंख न थी, वेद ज्ञान की आंख मन बस ऐसी थोड़ी ना,
बस देह आत्मा भिन्न है। वेद ज्ञान की आंख माने क्या बोलने लायक है, क्या करने लायक है, प्रत्युत्पन्न मति। वेद ज्ञान की आंख वो हमारा काम ये है, बस हम अपना कर लें। वेद ज्ञान की आंख क्यों भैया क्या बात है, चल जल्दी ना पानी जा और काम बाद में होंगे, ये काम ऐसा चलो ये काम बाद में करेंगे। वेद ज्ञान माने तत्काल प्रत्युत्पन्न मति, जैसे चौराहे पर झर से वो मोड़ देता है, तिराहे पर झर से मोड़ देता है, ड्राइवर करता नहीं करता, गड्ढा आया झर से वो गियर बदल देता है, झर से रोक लेता है, करता है कि नहीं करता। और जैसे ही साफ सुथरी जगह दिखाई भर से वो कर देता है, और झर से उधर से आया झर से वो रुक जाता है। विदेही ज्ञान तो है, ब्रेकर आ रहा और जो लापरवाह ड्राइवर होते वो फिर गाड़ी खराब कर दे, आदमी परेशान कर दे, और कभी कभी दुर्घटनाएं कर देते हैं, लोग जेलों में सड़ते, अपना जीवन बर्बाद मत करो भाई। बहाने बनाने में तुम्हारी बुद्धि लगती है, अपना दोष स्वीकार करने में, बोले अब वो दोष है, दोष को क्षमा करो। तुम दोष क्या ही नहीं रहे, मां से दोष क्या है, हम क्षमा करें क्या, हम तो क्षमा कर चुके, हमें क्या लेना देना। तुम दोष कहो तो सही, पता तो पड़े कि दोष क्या है, तुमने सही समझा कि गलत समझा, अब दोष को क्षमा करो। मतलब ये हम चाहते हो मैं करने लगा, हमें एक रोटी नहीं मिलेगी, तुम आ रोटी नहीं मिलेगी, वो गलती क्षमा करो, मतलब रोटी खा लेंगे बस। गलती क्या है ये तो बताओ ना, गलती क्षमा मांग रहे तो वो गलती हो जाती है, वो हमें ध्यान नहीं रहता। और ये गलती कर रहे तुम, ये पकड़ रहे हो तुम, मतलब रोटी खाने दो हमको, खड़े जा क्षमा करो, मतलब बैठ जाने दो सुनने में। अरे भगवान, ये तुम्हारी कुबुद्धि, ये कुबुद्धि चलती है। बैठने और खड़े होने की बात क्या है इसमें, रोटी खाने ना खाने की बात क्या है, वो तो वैसे ही कह दिया रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, ये तो मां की भाषा है, रोटी नहीं मिलेगी तुम मुंह के बैठा, हमें तो अच्छा लगेगा। लेकिन उस दोष के ऊपर नजर नहीं आती, मत बैठना कल से उठ जा, बस गलती हो गई क्षमा करो, मैंने बैठा रहने दो, बस खत्म हो गई बात। ये जो दिमाग चलता है ना, ये है अप्रोच, हाँ कुबुद्धि, बात बाकी कुछ नहीं, बस ठीक है। मैंने क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है, लिख तो अपन ध्यान देंगे, क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है, और बहुत मजबूरी हो जाएगी तब क्षमा मांगेंगे, तब तक उसको टालते रहेंगे, जब बिल्कुल आमने सामने हो जाए तब बड़ी धीरे से, बड़े हल्केपन से, बड़े अपनी लहजे में, बड़े पन की अहंकार की बात है, वो गलती हो गई। इतने हल्के से रोग का इलाज होता है, अभी हमने कहा था, अरे इस शरीर में भी दो दो महीने बीमारी रही, पांच पांच बुखार चढ़े और उतरे, और दिन भर लंगन हुए हैं, पचीस पचीस तीस तीस, यार जुकाम हो गया, बस खत्म हो गई बात। अब बस दो जने मुर्दा होते रहो, अब फिर कपड़े पहनने ही कहो तो ध्यान ही नहीं, हमें खाने में हो सही नहीं है हमें, अब दो जने बैठ करके मुंह लगाते रहे तो बहुत बात चले, और कोई ना कर ठीक है, यहां बात चले नहीं, बस हमारे टेंशन है, हम घबरा रहे, बस अब टीवी हो गई, अब तुम बता, फोन आया तो अब टीवी बता दी जा, तुम अब तुम बता, अब हम क्या करता है, अब हम क्या बताएं, बता मैंने खत्म नहीं दिमाग, मतलब कहां अब क्या करें हम क्या, और अभी भी बताएं, चलो बताएं तो सुनना नहीं, अब तुम बताए, कल ही की तो बात है, वो डॉक्टर को चेक कराया था, फोन गए कहां गए थे, इंदौर गए थे, फलाना गए थे, सुबह सुबह उसने टीवी बता दी, और आपको वैसे तो कर रहे बात कर रहे थे, और तुम्हें बता दी,
मैंने देखा बैठी मजाक की और सुनने के वाला, अरे रे प्रभु ऐसी उपेक्षा और अनादर भाव से तत्व की प्राप्ति तो नहीं होती भाई, तत्व की प्राप्ति तो नहीं होती। मैंने बहाने बनाने में, कुतर्क करने में, सफाई देने में हमारी बुद्धि चलती है, सुधार करने में, समझने में, सत्य को स्वीकार करने में, दोष को स्वीकार करने में, पुरुषार्थ करने में, पुरुषार्थ बढ़ाने में बुद्धि नहीं चलती। ये है प्रयोजन भूत में लगती है, प्रयोजन विकथा में लगती है, चर्चा में नहीं लगती, बहाने बनाने में लगती है, सत्य को स्वीकार करने में, पुरुषार्थ बढ़ाने में है संकल्प में। कल वो डॉक्टर बैठे, दो तीन पांच छह डॉक्टर आए कम से कम, तो दो डॉक्टर बैठे, सो चर्चा चल बैठी। हमने कि नशा मुक्ति अभियान की व्यवस्था देखो, थोड़ी शिविर लगाना नशा मुक्ति का, शराब कैसे छूटे, गुटखा कैसे छूटे, बीड़ी कैसे छूटे। बोले तो एक डॉक्टर था, लड़का ही था, अच्छा बोला महाराज सबसे बड़ी दवा तो यह है संकल्प शक्ति, जब तक संकल्प शक्ति नहीं है दवा कुछ काम नहीं करेगी। जब संकल्प शक्ति हो हमें ये छोड़ना है, तब फिर ये दवा तो इसके लिए होती है कि उसके कारण जो शरीर में रिएक्शन होते रहते हैं, मुंह सूज गया, दांत सूज गए, पेट साफ नहीं हुआ, सिर चकरा रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी दवा सहायक होती है। बाद बाकी व्यसन छूटने में तो एक संकल्प शक्ति काम आती है। उसने पंचायत उसमें पद्मनंदी पंचविशत का पढ़ी नहीं थी, लेकिन पद्मनंदी पंचविशत का में ये चर्चा लिखी है। क्या दृष्टांत दिया याद है तुम? कबूतर क्या खाता है? माल खाता है कबूतर? और कामी कितना है? कितना कामी है? और शेर क्या कैसा और कामी कितना कम है? तो उन्होंने कहा कामादिक भावों को जीतने में जीव की संकल्प शक्ति ही प्रमुख कारण है। क्वेश्चन संकल्प का हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दो दो चार चार चाय पीने वाले चाय, और बात कुछ ऐसी आ पड़ी उन्हें नहीं पियेंगे, बस खत्म संज्ञा से खत्म। दो दो बंडल बीड़ी पीने वाले और बात आई, वो हमने आपको सुनाया भी था, छोटी सी नात बच्ची नातनी, बाबा ने बीड़ी पी फेंकी और उसने उठाई है क्या कर, लेकिन दिमाग को आया अरे हमने पिए तो थे तुझे कहा, उठा करके बंजल रहती तोड़ा नाली में फेंक दिया, उसके बाद नहीं पी। आज तो न बाबा है नातनी तो होगी कहीं दृष्टांत रह गए। कहने का मतलब ये है एक संकल्प शक्ति ऐसी होती है। गांधी जी कहते थे अब वो धीरे धीरे छूटेंगे, सांप आ जाए तो धीरे धीरे भगोगे, भगते भगते वो दंश मार दे तो बहुत अलग है, लेकिन भगने की कोशिश तो पूरी शक्ति से करेंगे। अब भगते भगते भी वो दंश मार गए, गिर पड़े, दंश उसने मार दिया, वो अलग बात है, लेकिन सांप आ जाए तो धीरे धीरे भगेंगे, जैसी ऐसी बातें मत करो। अब राग धीरे धीरे छूटेगा, छूटेगा तब जब तुम छोड़ने लायक मानोगे। अभी तुम्हें राग छोड़ने लायक ही नहीं लगता, इसलिए तुम्हारा धीरे धीरे भी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूट पाएगा। पहले राग में उपाधेपना, राग की पूर्ति में सुख। राग में उपाधेपने का अर्थ क्या है? राग में उपाधेपने का अर्थ समझ में आता है? राग की पूर्ति में सुख, इसका नाम है राग में उपाधेपना। शब्द के अर्थ नहीं आते, परेशान ये है। राग उपाधि नहीं है, राग माने क्या? राग की पूर्ति में सुख नहीं है। अब जो राग की पूर्ति में सुख नहीं मानेगा वो राग की पूर्ति में क्यों लगा रहेगा? उसके भाव के लिए सोचेगा, भाव तो कुछ सोचेगा। पंडित जी ने क्यों कहा नहीं कहा हमारी तनख्वाह बढ़ा दो सदा सुखदास जी, महाराज आप प्रसन्न है तो हमारी टाइम आधा कर दो, ये क्यों कहा? बोला
खर्चा गुजर तो इतने में भी चल रही है, हमारा टाइम आधा कर दो तो हम अधिक धर्म ध्यान कर सकें। तुम्हारे सामने दो विकल्प रख दिए जाए कि बोलो भाई, या तो अपना टाइम घटा लो दो घंटे, या फिर तनख्वाह बढ़वा लो, एक काम करो, साहब तनख्वाह बढ़ा लो। तुरंत क्या कहोगे, तनख्वाह बढ़ा लो, काम घंटा आधा घंटा और कर देंगे। हमारे हम तो कई प्रसंग देख चुके ना, लेबर कारीगर वगैरह, देखो साहब तनख्वाह बढ़ा दे, बात ये काम की घंटा आधा घंटा ही कहीं बात नहीं, अब तो वो बातें ही बदल गई, सब ठेके के काम हो रहे, लेकिन वो प्रोविजन है, एक घंटा आधा घंटा ही कहीं बात नहीं, चाहे जब ज्यादा कर दें कम कर, करना कुछ नहीं है लेकिन धन का बढ़ा दो। और जिन्हें धर्म ज्ञान की रुचि है, गुजर तो सही में चल रही है, हमारा टाइम घटा दे। समझ माना, तो चोरी में उपयोग लगता है, ये व्यापार कैसे मिलावट किया, कैसे टैक्स बचाया, कैसे टिकट बचाई जाए, कैसे निकला जाए, कैसे इसको धोखा दिया जाए, कैसे पराया माल हड़पाया, कैसे अपना ये खराब चीज दूसरे को भेज दी जाए, बोलो इसमें कितनी बुद्धि लगती है। हम आपसे इसका बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे, जिसने ये बम बनाए, बुद्धि तुम बना सकते, हम नहीं बना सकते, कितनी बुद्धि होगी उसकी, लेकिन बुद्धि हिंसा में लगी, रक्षा में नहीं लगी। वैज्ञानिकों ने परमाणु भट्टी भी बनाई, उनकी बुद्धि लोक कल्याण में लगी, और एक ही बुद्धि क्या है, मेरा भी परमाणु बम बनाओ, जिसने बिजली बनाई, बिजली हम कम खर्च करें और चोरी न करें, ये दिमाग नहीं चलता, बचाएं कैसे माने चोरी कर, वो जहां की तहां चलते रहो, नहीं चोरी कैसे करें, मीटर में कर लो, उसमें मिला दो, उसमें यहां में कर दो, उसको पैसा दे दो, उसको ऐसा कर दो, माने चोरी में उपयोग बुद्धि लगती है, ये नहीं है अपने उपयोग को बचाने में। भाई तुम्हें खर्च बिल तो बहुत है तो खर्चा कम करो भाई, हम क्या करें, सौ सौ बार के बल्ब मत लगाओ, चालीस चालीस बार के लगाओ, टेबल लैंप से पढ़ो, सीएफएल लगाओ, तुम्हारी कौन सी चल गई अब है, लीजिए लगा, क्या करें बताओ। मैंने उसका उपयोग घटाना, आमदनी कम है तो इधर उधर झपट्टा से मारते, भाई अपना सादगी का जीवन जी, और सर क्या करें बोल, मैं आराम से रहा। तो बुद्धि काय में लगती है, हिंसा में लगती है, झूठ में लगती है, चोरी में लगती है, पाप कुसी भोगों में लगती है, और प्रज्ञा अपना कैसे बचाओ, बचाओ, अरे बचाए में क्यों बुद्धि लगती है, दान में पुण्य में त्याग में बुद्धि लगा लो, त्याग में बुद्धि लगा, दान में बुद्धि लगा। हमारे चक्रवर्ती ने तो दान में ही बुद्धि लगाई थी, अरे चक्रवर्ती ने मंदिर बनाए, और दूसरा कल क्या कहा था, कल क्या था, कल के परसों, परसों रात गई, भरत चक्रवर्ती ने जब पुण्य के उदय की संपत्ति देखी तो दो ही बुद्धि लगाई, एक तो मंदिर बनाओ, सो धर्म की परंपरा चलती रहेगी, वहां आकर के धर्म सीखेंगे, और दूसरी इन मंदिरों को संभालेगा कौन, प्रभावना करेगा कौन, तो श्रावक बना। अब भी बेचारे बाई में लगे रहे तो ये उनके पास कहां टाइम रहेगा, उनको बिल्कुल निश्चिंत कर दो, कोई आजीविका नहीं तुम्हारी, व्यापार नहीं करना, खेती नहीं करना, कुछ नहीं, तुम तो धर्म आराधन करो और धर्म आराधन करा, ब्राह्मण संज्ञा दे दी।
विवेकी जीव थे उनके लिए, अरे भाई तो उनसे कोई गलती भी बन जाए तो आबाद दें, ऐसे सूत्र बना दिए। लेकिन उनका दुरुपयोग बाद में जाति और जन्म की अपेक्षा से करके अपने आचरण पर नहीं रहा, वो बात अलग है। तो क्या करना, हम बुद्धि लगा इसमें, बुद्धि लगा लू लला ये सामग्री ले जाइयो, वहां अभी पूजा हो रही है, हमारी सामग्री घूम जाए, अब हम नहीं पहुंच पा रहे, तबियत खराब, हमने तो जे प्रसंग देखे हैं, जे प्रसंग नहीं देखे क्या अपने न लग गया है, और आए सुबह में से बदाम की मुठी भल रही भल रही, और बस अपने अपन ने जाल चढ़ा दी, मुफत की मिल गई तो बादाम अलग से पकड़ लाई, और अपनी घर से रहा है तो चावल चावल जाए के लिए गरीब टुकड़ा डाल दो उनको ले वाली सामग्री, और चढ़ाने में जब मंदिर की चढ़ाने की नौबत आई तो मन में से बादाम वाले अपने जाए, जहां में बुद्धि लगा तुम काका तो कर रहे तुम, बचाने में नहीं बनाने में लगा है। तो पाप में बुद्धि लगने का अर्थ क्या, समझ में आ गया कुछ, मन बड़ाई कहां मिलेगी वहां अपना लगा, जहां बुद्धि लगती है सदुपयोग कहां है वहां लगा, जीवो धार में तब तो ऐसे वाक्य लिखे हैं, तुमने सुने पढ़े भी होंगे, नए 10 मंदिर बनाने की अपेक्षा एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराना श्रेष्ठ है, एक व्यक्ति की समाधि करना कराना 100 मंदिर बनाने के समान है। पंडित जी ने क्या लिखा था आपका चार जी में, पाठशाला बनाना धर्म का स्तंभ खड़ा करना है, जरूरत काय की इसे देखो, जी गए विधान करा दे या प्रवचन करा दे, क्यों धोती दुपट्टे ही सब जने देंगे और तो कहीं देंगे बताओ, या कुर्ता धोती देंगे, अब कुर्ता धोती हो गए चार, अब और कपड़ा कहते आए सोचो सब जो है मंदिरों के प्रसंग में ऐसी होती, तुम जमीन ले रहे हो बाद हर हम मनवा दी मूर्ति हम ले आएंगे और मूर्ति हम दे देंगे, अरे जमीन कैसे ले भाई, अब करोड़ों की जमीन हो गई भैया, हम क्या करें, मंदिर की जमीन कैसे आएगी, जगह जगह मंदिर बनते हैं तो नहीं जमीन ले रहे तुम, मैंने हमें कहा नाम होने और हर से लगवाओ मूर्ति इन बनवाई बेटी इन बनवाई, और जमीन कौन की पतो ही नहीं पड़ो, जमीन तो सब जानता है, बुद्धि इसमें लगती है, मूर्ति तो 10 है भैया, अब मूर्ति नहीं, अब तो उन मूर्तियों के पुजारी कैसे बने थे बता, थाली तो इतनी है बाल्टी चाहिए बिछाने की, टंकी चाहिए डिब्बा चाहिए जे चाहिए ले आओ मंदिर में, सूप चाहिए झाड़ू चाहिए पोछा चाहिए, माने सदुपयोग क्या होगा ये सोचो, नाम कहाँ होगा ये मत सोचो, तो परद्रव्यों का दोष देखना बंद करो, मोह छोड़ने का मतलब हो गया, परद्रव्यों का दोष देखना बंद करो और पराया भरोसा करना बंद करो, तुम पराये भरोसे अपना कल्याण छोड़ा है, परसों रात को कही थी ना बोलो, ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग कार्य है और सुखरूप कार्य है, माने इनसे सुख होता है, सुखरूप है जीव के लिए, इसलिए टोटमल जी ने प्रसाद से ही मोक्ष सिद्धि कही, उसका नास्ती अर्थ क्या हुआ, ये मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है जो काललब्धि के भरोसे छोड़ा जाए, क्यों भैया तुम काललब्धि के भरोसे घर के कितने काम छोड़ा था, घर के कितने काम काल लग जी के भरोसे छोड़ते जब हमने हो तो हो जाओ बोलो,
जब दुकान खोलने होगी खुल जाएगी, जब कपड़ा धोने होंगे तब धुल जाएंगे, जब रोटी बनने होगी बन जाएगी, करो करो करो, जब मिलना होगी तब मिल जाएगी। घर के काम शरीर के काम जब ठीक होने होंगे तब हो जाएंगे। घर के कितने काम तुम काल लब्धि के भरोसे छोड़ दे, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष ऐसा नहीं है जो काल लब्धि के भरोसे छोड़ा जाए, भवितव्य के भरोसे छोड़ा जाए, निमित्त के भरोसे छोड़ा जाए। दे कर लेंगे दे कर लेंगे, बताओ औषधि का सेवन तुम दूसरे के भरोसे, अरे घर में इतने जने चाहे कोई खा ले औषधि का, हमें भी खाना ही जरूरी है कि भाई चाहे कोई खाएगा तो उसका ही तो रोग ठीक होगा, तुम्हारा कैसे ठीक होगा। तो ये मोक्ष मार्ग है, और मुक्ति तो स्वभाव ही है, मुक्ति तो स्वभाव, आत्मा तो स्वभाव से मुक्त है, ऐसे स्वभाव के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए एक बच गया क्या, पुरुषार्थ। कोई भी कथन वैसे ही नहीं करते, कोई ना कोई बात तो होगी और बात हित की होगी, उसमें बात हित की होगी। तो बहुत से जीव मोक्ष को स्वभाव मान करके सदाशिव 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 स्वरूप मानते हैं, सदाशिव स्वरूप मानते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते, विषय भोगों में उलझे रहते। कोई काल अब्धि के भरोसे छोड़ दिया, कोई निमित्त के, कोई भवितव्य के भरोसे छोड़। तो टोटरमल जी ने कहा ये काम ऐसा नहीं है दूसरों के भरोसे छोड़ाया। हाँ, जैसे चरणान युग में दान पूजा सेवकों के भरोसे छोड़ने लायक नहीं है, चक्रवर्ती भी स्वयं करते हैं। मंदिर सेठ जी ने बनाया और पुजारी और कर्म मैनेजर के भरोसे, सो भी जैन नहीं मिले तो अजन धर गए, उनके भरोसे छोड़ दिया तो क्या होगा उसका, ये तो बताओ। हिसाब क्या करें, जैनी है नहीं वहां, तो फिर वहां काय को बनाओ जहां जैनी है ही नहीं। हमारे क्षेत्रों पर कई बार ये गड़बड़ियां होती रही, गिरनार पर क्या, अब जैन पुजारी नहीं सो अजैन पुजारी रख दे, जैन मैनेजर नहीं सो अजैन मैनेजर रख दे, उन्हें साफ साफ और खुशामदी व्यवस्था रखी और वे मंत्री जी खुश और अध्यक्ष जी खुश, जब आए गए तो और साफ, और पीछे से सब धीरे 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 वो राजनीति उसमें हो गया वो खुश, बस ये करने लगे। बाद में मुकदमा चले, कब्जा बने, तमाम रट्टी पड़े, तब हमें आचार्य भगवान की बातें याद आती हैं, भैया ए तीर्थ मंदिर धर्मायतन धर्म स्वयं संभालो, यहां कब तक लगे रहो घर गृहस्थी में, स्वयं संभालो। एक जने ने प्रश्न ही कर दिया, बस इतना ही कहेंगे कि महाराज आप कहते हो धर्म की आजीविका नहीं करने, हम नहीं, हम काहे को कहते हैं शास्त्र में लिखी है, तो ये बताओ पहले पूरी व्यवस्था कैसे चलेगी मंदिर में, मंदिरन की तीर्थन की, अब वहां कोई जैन समाज के घर तो है नहीं, हमने कहा व्यवस्था कैसे चलती थी और कैसे चलेगी हम बताएं, मानोगे बोलो। 60 वर्ष बाद गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, और पहले तो 40-45-50 वर्ष पर ही व्यापारी ग्रस्त रिटायर हो जाता था, रिटायर होने का अर्थ समझ गए। देखो अभी हम गलत बता दें तो 20 वर्ष पर लड़के की शादी हुई, अब 20 वर्ष के बाद एक 22-23 वर्ष पर उसका बालक बच हो गया, अब बालक हो गया, अब वो क्यों भाई 40-45 वर्ष लड़का युवा हो गया उसकी शादी हो गई, अब तुम रिटायर हो गए, हटो अब क्या करने, तुम घर में बहू आ गई और जे आ गई, अब तुम जब आओ तो घर अपने आराम से रोटी खाओ और अपने रह जाओ, ने कहा बाद बाकी बन जाओ धर्मदान धर्मार्थनों में, अपने धर्म ध्यान करो। अब जब तुम उन्हें भाई चार चार जने छह छह जने उन्हें बड़ा आराम में खूब पूजा हुई घुसवा दिया समा लेंगे। और आज भी हमने कई लोगों को देखा है धर्मायतन कैसे बन गए, वे वहां से आकर के रहते थे यहाँ तभी तो बन गए, सोना गिर कर बने तो कैसे हुए, वे वहां से दिल्ली बारी में का नाम तो उनको ब्याह करके यहाँ रहते थे, मरवर वाली वहां करके रहती थी, ब्याह करके वहां रहते थे, धोनगिरी में गुआरा वाले वहां रहते थे जा करके मारा रिटायर हो गए। अब कोई अब 30 वर्ष के लड़के उसको तो व्यापार देखना, बच्चे छोटे हैं दुकान देखना घर देखना वो सब करना है, अब भाई बच्चा बड़ा हो गया उसने दुकान संभाली, अब उसको सहारे की जरूरत इतनी है, पापा फलाना काम और हमें जाना, आप आए आओ याद है बाल बाकी, अब अपने धर्म में धर्म आयोजन संभाल, कहा नौकरी की जरूरत है, नौकरों की भी जरूरत नहीं है,
और इन लोगों को नौकरी की भी जरूरत नहीं है। क्यों? इनके घर की संपन्नता, घर की व्यवस्था, और बाद बाकी जो कमजोर परिस्थिति के लोग हुए उनको अपने बाचल भाव से सोचा, भैया तुम समारा, अरे तुम भोजन यही कर ले करो, काले तुम बोलने लिखा घास है, घर की चिंता मत करो, तुम यही भोजन कर ले। बोले वहां बना लिया व्यवस्था, तुम कर ली खुशी के समय है, श्रावकों को दान देने की व्यवस्था कैसे बन गई? वो ऐसे ही तो बनी, उत्तम पात, मध्यम पात, जगन पात, तुम धर्म ज्ञान कर रहे हो भैया, ये कपड़ा ले लो, ये रोटी खा, बीमार हो गए सेवा कर रहे, इलाज करा रहे, ले हो गए आपस में, अब क्या करने भाई, और तुम्हें क्या करने, तुम्हारे उस ग्रस्त बने का भी मैंने सफल हो गया और उसका भी धर्म ज्ञान हो गया और सो तुम्हारी सेवा बन गई। न बेने नौकर समझो और न बेने मालिका की रोक गांठो, क्या अगर क्यों भाई अभी तक पानी नहीं भरा, ये क्या व्यवस्था है तुम्हारी, क्यों मैंने साहब इधर ए पुजारी ऐसे बोलते हो, ऐसे मत बोलो भैया, साधर्मी अपना, साधर्मी अपना, दो 5,000 रुपए दे करके तुमने नौकर जैसा व्यवहार किया, अच्छी बात नहीं है। ना उन्हें नौकर समय है, उन्हें मालिक की बात, साधर्मी साधर्मी मिल करके धन धन साधर्मी जन मिलन की गई, जैसे जे सब इकट्ठी हो जाती है, कोई छोटा है कोई बड़ा, कल वो बैठे थे है, कौन बैठा था पता नहीं, तो हमने कहा देखो ऐसे कर लियो, ग्वालियर में समझ में आया ना, तो ऐसे जुड़े हाथ जुड़े ऐसे बैठे हमारे सामने, हमने इधर ऐसे हमने ऐसे करो जैसे कछुआ अंग समेटता है ऐसा उपयोग समेटवाओ, बस एक देखो हो खत्म हो गया। ओम नमः। हे देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए, चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए, नाम शोध समाज मुझ में बोध का संचार हो, प्रात स्वात्मा की तथा शिव सौख की भव पार। ओम नमः। नहीं जाए तो बहुत बढ़ गया।